हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है टफ राज चैनल में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बात करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा टॉपिक क्या है, आपके सामने लिखा है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। रोग मतलब बीमारी, समस्या, प्रॉब्लम। अब देखो सिंपल सा है कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है। कोई भी इंसान कोई भी काम करना चाहता है, अगर वो काम समाज के अकॉर्डिंग सही है तो ठीक है, अगर उनसे अलग किया तो वो गलत है। तो वो सोचता है कि समाज के विरुद्ध जा रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। देखो सिंपल सा है कि एक मिडिल फैमिली का बच्चा जब बिजनेस करना चाहता है, कोई ऐसा काम करना चाहता है जिससे कि वो अपना और अपनी सोसाइटी और अपने देश का अच्छा कर सके, तो लोग क्या कहेंगे ये सोच के अपना सपना डुबा देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कोई ना कोई थॉट आता है, कोई ना कोई आइडिया आता है कि मैं अपनी जो लाइफ है उसको अच्छा कैसे बना सकता हूँ, अपने साथ साथ अपने समाज को कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो उसमें आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब कि सबसे बड़ी समस्या है कि लोग क्या कहेंगे। देखो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, अगर लोगों की सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर आपने लोगों की सुनी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलने वाले हैं, मेरे बारे में अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, क्या सोचते हैं, देखो सिंपल सा है, आप अपना काम करिए, अच्छा काम करिए, आपके लिए अच्छा है। अगर आप सोचते हो कि वो अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों से, क्योंकि लोग आपके अच्छे में भी कुछ ना कुछ कहेंगे, आपके बुरे में भी कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप सफल हो गए तो भी कुछ कहेंगे, अगर असफल हुए तब भी कुछ कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। अब आप अपना काम बनाते हो उनको सुनना, तो वो आपकी मिस्टेक है। आप अपना काम करते रहिए, लोगों को कहने दीजिए। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन लोग ये कहेंगे कि मुझे पता था ये कर सकता है। अगर आज आप कहते हो कि मुझे यूपीएससी करनी है, अगर आज आप कहते हो मुझे अंबानी बनना है, अगर आप कहते हो मुझे करोड़पति बनना है, आप कहते हो मुझे डांसर बनना है, आप कहते हो मुझे एक्टर बनना है, लाइक शाहरुख खान की तरह मुझे मूवीज बनानी है, लोग मजाक बनाएंगे। आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त मजाक बनाएंगे, क्या बातें कर रहा है, सलमान खान बनना है, शकल देखी अपनी आईने में, देख जाके क्या लगता है। लेकिन उनको कौन बताए कि इंसान जब कोई ठान लेता है तो बन के दिखाता है। आपने क्या किया, उनको नहीं सुना, उनको इग्नोर कर दिया, और आपने मेहनत की और एक दिन आप बहुत बड़े स्टार बन गए। उस दिन वो आपसे मिलने आएंगे और बोलेंगे भाई मुझे पता था तू कर सकता है। मतलब कि आपको लोग क्या कहेंगे इससे अगर फर्क पड़ गया तो बर्बाद हो जाओगे। आप लोगों के व्यूज अपनी मेहनत से चेंज कर सकते हो। देखो एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, कहानी सबको पसंद होती है, एक कहानी समझाता हूँ। एक गांव था, उसमें दो भाई थे, एक था 15 साल का, एक था 10 साल का। दोनों बाहर घूमने गए, कुएं के पास गए, उनको प्यास लगी हुई थी। बाहर वो गाय चराने गए थे, गाय चराते जाते उनको प्यास लगी, कुएं के पास गए। बड़े भाई ने बोला कि बेटा मैं पानी लेके आता हूँ, यहाँ पे बैठ, अपने छोटे भाई से बोला। वो गया कुएं के पास, कुएं के आस पास काई लगी हुई थी, ठीक है, वो बहुत शिल्पी था। वो गया, उसने बाल्टी डाली, बाल्टी से पानी खींच ही रहा था कि वो उसमें गिर गया। जब बड़ा भाई उसमें गिर गया, छोटा भाई के बहुत ज्यादा उससे, मतलब 10 साल का बच्चा क्या कर सकता है, रोया, वहां पे चिल्लाया, कोई हेल्प लिए नहीं था, मतलब आसपास कोई भी इंसान नहीं था, वो बहुत रोया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, बाल्टी कुएं में डालकर अपने बड़े भाई के ऊपर खींच लिया। बहुत ही अचंभित होने वाली एक न्यूज है, लेकिन ये सच है। अब ऐसा संभव क्यों हुआ, आगे सुनते हैं। अब वो घर पे गए, अपने पापा से बोला, घर वालों से बोला कि मैंने अपने भाई की जान बचाई है। जब उन्होंने कहानी सुनाई तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया, गांव की घटना है, ठीक है, गांव वालों ने विश्वास नहीं किया। सरपंच के पास गए, मतलब सरपंच साहब बैठे हुए थे, गांव वाले बोलने गए, देखो कैसे बेटे बकवास कर रहे हैं, क्या कहानी सुना रहे हैं कि 10 साल के बच्चे ने 15 साल के बच्चे को खींच लिया। तो सरपंच बोले कि खींच सकता है। तो जो एक एजुकेटेड इंसान था, जो एक पढ़ा लिखा इंसान था, जब उसने बोला कि वो खींच सकता है तो लोगों को थोड़ा शॉकनेस हुई, क्योंकि बच्चों की बात नहीं मान सकते, लेकिन जो गांव के हर एक समस्या का समाधान करता है उसकी बात टाल नहीं सकते। उन्होंने बोला सरपंच जी आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि वो खींच सकता है, मतलब आप ये कह रहे हो 10 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे को खींच सकता है। सरपंच जी ने कहा हाँ जी खींच सकता है। तो बोले कैसे, तो उन्होंने बताया कि जब वो खींच रहा था उसके आसपास कोई ये कहने वाला नहीं ताकि बेटा तुमसे नहीं होगा, तुम 10 साल के हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम 15 साल के बच्चे को खींच सको। बात समझना, बहुत छोटा मोटिव है लेकिन इसकी बात बहुत गहराई तक है। मैंने क्या कहा, सरपंच जी ने कहा कि जब वो बच्चा 15 साल के बच्चे को खींच रहा था उनके आसपास ये कहने वाला कोई नहीं था कि बेटा तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत छोटे हो,
तुम इतना वजन नहीं उठा सकते, तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा है, उसका वजन ज्यादा है, तुम इतना वजन नहीं उठा सकते, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। उसके आसपास कोई कहने वाला नहीं था इसलिए उसने वो काम कर लिया। सीधी सी बात ये है, जितने आपके पास आसपास लोग होंगे ये कहने वाले तुमसे नहीं होगा, आप उतना अपने आप को कमजोर समझोगे। देखो इंसान से हर कोई काम हो सकता है, अगर एक इंसान कोई काम कर सकता है तो आपके अंदर भी वो काबिलियत है कि आप भी वो काम कर सकते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आपको काम करना है कि नहीं करना है। आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे काम करना है। लोग क्या कहेंगे अगर इस पे बैठे रहे तो आप यही सोचते रहोगे लोग क्या कहेंगे, और लोग काम करके आगे निकल जाएंगे और एक दिन लोग ये कहेंगे कि इसके नसीब में ये लिखा था, पापा ने पैसा खर्च किया, इसके नसीब में ये था, पढ़ा नहीं, इसने ये नहीं किया, जिंदगी खराब कर ली। पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। आज आपके पास ऑप्शन है अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन पे ले जाने के लिए। लोग अगर भेड़ों की तरह जा रहे हैं तो भेड़ों वाला रास्ता फॉलो मत करो, आप अलग जाओ। लोग कह रहे हैं, बुला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने दो। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, जिस दिन आपके पास गाड़ियां होंगी, लोग ये कहेंगे कि मुझे पता था तुमसे हो जाएगा, मुझे उम्मीद थी तुमसे हो जाएगा, तुम इतने हार्ड वर्किंग हो। लोग आपकी ही भलाई करेंगे, आपकी बुराई नहीं करेंगे। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, असफल हो गए, तो लोग पक्का आपकी बुराई करेंगे, इस हद तक करेंगे कि आपको शर्म आ जाएगी। तो जो रोग है क्या कहेंगे लोग, इसको सॉल्व करने का एक ही सिद्धांत है, कानों में रोई डाल लीजिए, अपना काम करते रहिए, अपना गोल सेट करिए, अपना काम करते रहिए। ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लाइफ को अच्छा कैसे बनाया जाता है। तो पहला है लोग क्या कहेंगे, इसको छोड़कर जो भी आप करना चाहते हो, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आपको करने का मजा आता है, उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपके साथ हूं आपको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू।